हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आपको करवा रही हूँ वोकैबुलरी की डेली डोज, और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अल्फाबेट वी से शुरू होने वाले शब्द। आइए पहले हम नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से शब्द करने वाले हैं। हमारा शब्द है वाइस, वैंक्विश, वेनोमिनस, और उसके बाद है विंडिकेट, वैलिडेट, वेनरेट, वेंचरसम, वेरियंस, विजिलेंट और वायबल। ये हमारे वर्ड्स हैं जो हमें इस वीडियो में करने हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार देखिए कि क्या आपको इनके मतलब आते हैं और कहाँ आप एग्जैक्टली वोकैबुलरी में स्टैंड करते हैं। आपका स्कोर अच्छा कहलाने के लिए 7 एंड अबव होना ही चाहिए। चलिए शुरुआत करें। हमारा पहला शब्द देखते हैं यहाँ पर, वेरियंस। और वेरियंस आया रूट वर्ड वेरी से, और वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है अलग होना, वैरायटी होना, भिन्नता होना। तो वेरियंस, डिफरेंस, डिफरेंस होता है मतभेद, फर्क। वेरियंस क्या है? वेरियंस जो है ये एक नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ, ये सभी सिनोनिम्स हैं। जब वेरियंस होती है तो झगड़े बहुत होते हैं। एंटोनिम्स है इसके, अग्रीमेंट, सहमति, पीस, शांति और कॉनकॉर्ड। The inspection team noticed slight variance. Next word है हमारा venerate. ठीक है, venerate, venerate. और इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, venerate का मतलब होता है जब आप आंकते हैं, जब आप किसी को खुद से ज्यादा आंकते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको सम्मान देते हैं। अगर कोई हमें हमसे ज्यादा शिक्षित मिलता है तो हम रिस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव करते हैं, उसको सर या मैडम कहकर संबोधित करते हैं। ये होता है venerate। और venerate क्या है? venerate जो है ये एक वर्ब है। पास्ट टेंस में venerated, adore, idolize, worship, esteem। ये देखो, ये जो बड़ी काली बिल्ली है ये किस तरह से सलाम कर रही है दूसरी ब्राउन वाली बिल्ली को, तो ये venerate है। Opposite होगा abhor। abhor होता है dislike, condemn, निंदा, despise, ना पसंद करना। She is venerated by a large number of followers। इसका मतलब है कि उसके बहुत सारे followers हैं जो उसको बहुत सम्मान देते हैं। Word number 2। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंडिकेट। और विंडिकेट में हम इस तरह से इसको लिख देते हैं, वी आई एन से बनाते हैं हम विन, ठीक है, डब्ल्यू आई एन और डी आई और साथ में सी ए टी, विंडिकेट। और इस केट के बजाय मैं लिख देती हूँ केस। जब आप कोई केस जीत जाते हैं, वेन यू विन अ केस, आप साबित कर देते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करेगा। तो अब्सॉल्व, एक्सोनरेट, डिफेंड, अवेंज, ये सभी विंडिकेट के सिनोनिम्स हैं। पास्ट टेंस क्या होगा विंडिकेट का? ये एक वर्ब है, विंडिकेटेड। ही वॉज विंडिकेटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑपोजिट क्या होंगे? अक्यूज, आरोप लगाना, कन्विक्ट, सजा देना, पनिश, ये सभी ऑपोजिट्स हैं। द लेटेस्ट डिस्कवरी विंडिकेट्स दिस थ्योरी। अगला वर्ड है हमारा विजिलेंट। और विजिलेंट आया हमारा विजिल से। और विजिल का मतलब क्या होता है? विजिलेंट क्या है? विजिलेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है। यू शुड बी अ विजिलेंट सिटीजन, अ विजिलेंट कंज्यूमर। तो विजिल का मतलब होता है सतर्क, जो अलर्ट रहे। विजिल का मतलब ही होता है जो हमेशा अलर्ट रहे। तो अलर्ट, ऑब्जर्वेंट, ओपन आइड, वेकफुल, जागा हुआ, वॉचफुल, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा नेग्लिजेंट, लापरवाह, इनअटेंटिव, ध्यान न देने वाला। बिल्ली मौसी को देखो किस तरह से बालकनी में खड़े होकर, बिल्कुल खड़े होकर देख रही है कि आसपास किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। वॉचमैन को विजिलेंट होना चाहिए। द विजिलेंट वॉचमैन नोटिस्ड सम सस्पिशियस पीपल लॉयटरिंग इन द लोकैलिटी। वर्ड नंबर 4। अगला वर्ड है हमारा वैलिडेट। और वैलिडेट आया रूट वर्ड वैलिड से। वैलिड का मतलब आपके बस पासेस होते हैं ना कि ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। वैलिड का मतलब है कि अभी ये मान्य है, इस साल के अंत तक ये वैलिड है। इसका मतलब है कि इस साल के अंत तक ये मान्य है। अटेस्ट, ऑथेंटिकेट, कोरोबरेट, जस्टिफाई, टेस्टिफाई, एंडोर्स, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा इसका कॉन्ट्रडिक्ट, विरोध करना, इनवैलिड, डिस्क्लेम, रिफ्यूट, ये सभी इसके ऑपोजिट्स हैं। One needs a certificate to validate one marriage. ये साबित करने के लिए कि आपकी शादी मान्य है, आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगला शब्द है वैंक्विश, VANQUISH, वैंक्विश। अब वैंक्विश में को हम इस तरह से लिखते हैं, वैंक्विश से मिलता जुलता एक और शब्द वैनिश।
और वैनिश क्या होता है? वैनिश का मतलब होता है गायब कर देना। जब आप अपने दुश्मन को बिल्कुल गायब ही कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको बुरी तरह से हराया। तो वैनक्विश का मतलब होता है जीतना, टू बीट, टू कॉन्कर, फतेह पाना, ओवरकम, सबड्यू, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा फेल, हारना, लूज, हारना, सरेंडर, समर्पण। द वैंक्विश्ड टीम मेड मैरी बाय ब्लोइंग द ट्रम्पेट एंड बस्टिंग क्रैकर्स, वर्ड नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा वेनोमस, VENOMOUS, वेनोमस, और ये आया रूट वर्ड वेनम से। और वेनम क्या होता है? वेनम होता है जहर। क्या ये जो सांप के दांत होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फैंग्स, ये पॉइजनस होते हैं। तो वेनोमस होता है आपका विषैला, जहरीला, वेनोमस सर्पेंट, ये एक एडजेक्टिव है। टॉक्सिक जहरीला, विरुलेंट जहरीला, मेलोवलेंट आपका जो कोई ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाए, मलिग्नेंट जो नुकसान पहुंचाए, MALMAL जिसमें लगेगा, इट मींस बैड, स्पाइटफुल, बुरा, विकेड। तो इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? इसके ऑपोजिट होंगे बिनाइन, बिनाइन होता है काइंड, हार्मलेस जो नुकसान ना पहुंचाए, और अफेक्शनेट होता है लविंग। द जू हैज द मोस्ट वेनोमिनस वेनोमस स्नेक्स, वर्ड नंबर 7। आगे है हमारा वेंचरसम, और वेंचरसम, वेंचरसम में हमारा वर्ड आया वेंचर। वेंचर मुझे याद दिलाता है एडवेंचर की। हम उस व्यक्ति को वेंचरसम कहेंगे जिसको एडवेंचर, रोमांच, साहसी कार्य करना बहुत पसंद हो। ये देखो, ये दोनों जो हैं ये इतनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से कूदे हैं, तो इट इज समथिंग वेरी वेरी एडवेंचरस। तो एडवेंचरस, ओडेशियस, डेयरिंग, एंटरप्राइजिंग, रिस्की, पेरिलस, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा जो डर जाए, अफ्रेड, कावर्डली और कॉशियस। द वेंचरसम लेडी ट्राइड स्काई डाइविंग, ओवरकमिंग हर इनिशियल फियर, वर्ड नंबर 8। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वायबल, VIABLE, वायबल। वायबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज विच वी आर एबल टू डू। अगर मैं किसी से कहूं कि चलो एक टेंट बनाते हैं आसमान में, क्या आसमान में टेंट बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वायबल का मतलब है कोई चीज जो प्रैक्टिकली की जा सके। देखो इसका कितना बढ़िया सिनोनिम है, डूएबल। डूएबल का मतलब है कि जो किया जा सके, इट इज डूएबल, इट इज अचीवेबल। तो फीजेबल, प्रैक्टिकल, यूजेबल, वर्केबल, जिसपे काम किया जा सके, पॉसिबल, जो संभव हो, ये सभी वायबल हैं। व्हाट आर द वायबल ऑप्शंस? वायबल क्या है? वायबल हमारा एडजेक्टिव है। ऑपोजिट होगा इम्पॉसिबल, असंभव, अनप्रैक्टिकल, जो संभव ना हो सके, और अनरीजनेबल। केनिंग इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन टू कंट्रोल चिल्ड्रेन। बच्चों को अगर आप काबू में करना चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं उन पर, तो उनको पीटना तो कोई सही ऑप्शन नहीं है, उससे ऐसा नहीं होगा, वायबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइस। आपने जरूर सुना होगा वर्चू एंड वाइस। वर्चू क्या होता है? वर्चू होती है अच्छाई, और वाइस होता है बुराई। आपने वर्ड सुना है वाइस के लिए, वाइज, वाइस होता है ना समझदार, तो ये है उसका ऑपोजिट, वाइस, अवगुण। बेस्टिलिटी, बीस्ट से आया, इमोरालिटी, अनैतिकता, परवर्जन, विलेनी, सभी सिनोनिम्स हैं। ये देखो, व्हाट इज दिस? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एटसेट्रा, दीज आर ऑल वाइसेस, अवगुण। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है वर्चू और मोरालिटी। सेवरल पीपल थिंक गैम्बलिंग इज अ वाइस। ये था हमारा वर्ड नंबर 10। और अब मैं आपके साथ करती हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज, आप चेक कीजिए कि आपको कितना आया। ये हमारी एक्सरसाइज है, ओके? अब यहां देखो, यहां पर मैंने आपको वर्ड दिया है, हमारे वर्ड जो हमने किए इस वीडियो में, वेनरेट, विजिलेंट, वेनोमस, वेंचरसम, वायबल, वाइस, वैलिडेट, वेरियंस, वैंक्विश और विंडिकेट। यहां पर इसके ऑपोजिट है इन सभी शब्दों के, और यहां पर सिनोनिम है, आपको मैच करना है, ठीक है? वेनरेट क्या था? वेनरेट ये था कि जब आप किसी और को अपने से ज्यादा रेट करते हैं, दैट मींस यू रिस्पेक्ट हिम मोर। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा वेनरेट का? वेनरेट का ऑपोजिट होगा हमारा डिस्पाइज, एंड हियर इज डिस्पाइज। और इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम आपका होगा एस्टीम, एंड हियर इज एस्टीम। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजिलेंट। और विजिलेंट हमने बिल्ली मौसी से याद किया था, सतर्क, विजिलेंट, वॉचमैन होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा विजिलेंट का? VIGILANT, विजिलेंट। इसका ऑपोजिट, और हम सिनोनिम दोनों ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारा दिया हुआ है इसके लिए इनअटेंटिव, और ये रहा हमारा इनअटेंटिव, ओके, जो ध्यान ही ना दे। और इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा वेकफुल, जागा हुआ, सतर्क, ठीक है ना? एक ऐड आती है टीवी पर, जागो ग्राहक जागो, तो वो ग्राहक से क्या कह रही है कि आप सतर्क बने। फिर हमारा वेनोमस, वेनोमस होता है जहरीला,
ओके अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट हम देखते हैं, वेनोमस का ऑपोजिट क्या होगा, वेनोमस का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका अफेक्शनेट, ठीक है, प्यार करने वाला। और इसका सिनोनिम क्या होगा अफेक्शनेट का, इसका सॉरी वेनोमस का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, वेनोमस जो है इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा मलिग्नेंट, एंड हियर इज मलिग्नेंट, दोनों आमने सामने हैं। वेंचरसम, वेंचरसम एडवेंचरस लोगों के लिए कहा जा सकता है, दे आर वेरी वेरी वेंचरसम। और अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम और एंटोनिम क्या है, यहाँ पर है हमारा डेयरिंग, डेयरिंग और कॉशियस, ये दोनों, ठीक है। अब ये रहा हमारा डेयरिंग और साथ ही साथ इनमें हम देखते हैं ये रहा कॉशियस, ओके। तो वेंचरसम के लिए कॉशियस जो है ऑपोजिट है और डेयरिंग जो है सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज वायबल, VIABLE, वायबल, वायबल होता है कोई चीज जो हम कर सकते हैं, हमारे लिए करने पॉसिबल है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट देखते हैं, ऑपोजिट होगा हमारा अनरीजनेबल, ये रहा अनरीजनेबल, अनरीजनेबल डिमांड्स, वायबल डिमांड्स। और इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम होगा इसका जो संभव हो, दैट इज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइस, वाइस होती है बुराई, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा मोरालिटी, नैतिकता। और इसका सिनोनिम क्या होगा वाइस के लिए, इसका सिनोनिम होगा बेस्टिलिटी, बेस्टिलिटी मतलब बुराई, हियर इज योर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडेट, वैलिडेट होता है सही करार देना, VALIDATE, वैलिडेट। अब वैलिडेट के लिए हमारा ऑपोजिट क्या है, वैलिडेट के लिए हमारा ऑपोजिट होगा रिफ्यूट, खंडन करना, ये ऑपोजिट है। और सिनोनिम क्या है, सिनोनिम होगा हमारा जस्टिफाई, सही करार देना, दिस इज वैलिडेट। Then we have variance. Variance होती है भिन्नता, VARIANCE, variance. Variance के लिए हमारा synonym क्या है और antonym क्या है, अब हम वो ढूंढते हैं। Variance के लिए जो हमारा opposite है हमारा concord, the first word. Concord का मतलब क्या था, concord का मतलब था सहमति। और उसके बाद इसका synonym क्या है, synonym है हमारा strife, STRIFE. उसके बाद हमारा word है vanquish. वैनक्विश था वैनिश करा देना, हरा देना, जीतना खुद, तो वैनक्विश के लिए VANQUISH, ये हमारा वर्ड है VANQUISH। इसके लिए जो हमारा एंटोनिम है वो है सरेंडर, समर्पण, हियर इज माई वर्ड। और बीट जो है BEAT, बीट, यहाँ पर बीट है आपका, ये देखिए ये जो है इसका ये सिनोनिम है। विंडिकेट, VINDICATE, विंडिकेट, विंडिकेट था दोष मुक्त करार दे देना, आजाद कर देना, ये हमारे वर्ड्स थे। तो इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है पनिश, और इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है इसका डिफेंड। ये हमारे सभी वर्ड्स थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।